हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की वीरांगनाओं के बारे में। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं चिपको वुमेन गौरा देवी के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ नीरजा चौधरी। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला गौरा का जन्म 1925 में लाता गांव में जिला चमोली में हुआ था। 26 मार्च 1974 को गांव के पुरुष किसी कार्य हेतु बाहर गए थे। उसी समय वन कटान ठेकेदारों के आदमी वनों का कटान करने गांव में आ गए। गौरा देवी को जैसे ही यह सूचना मिली, इस जुझारू महिलाएं ने महिलाओं का एकत्रीकरण किया और गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं, जिस कारण से वन काटने वाले मजदूरों को हार कर वापस लौटना पड़ा और वनों का कटान रोकना पड़ा। इससे प्रभावित होकर वृक्षों की रक्षा के लिए इस प्रकार का आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया तथा इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। नवंबर 1986 में गौरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस आंदोलन के बाद से गौरा देवी चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस चिपको वुमेन का 4 जुलाई 1991 को निधन हो गया। उत्तराखंड की वीरांगनाओं में प्रमुख स्थान रखने वाली गौरा देवी, जो एक जुझारू महिला थी, इसी क्रम में उत्तराखंड की वीरांगनाओं के संदर्भ में अगले वीडियो में इसी सीरीज को जारी रखेंगे। नमस्कार।